हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल सॉल्व द एग्जाम पेपर ऑफ एडवांस अकाउंटेंसी बीकॉम पार्ट थर्ड एग्जामिनेशन 2019, जिसमें यूनिट फोर्थ का सेकंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन है हमारा अमालगमेशन से. दैट इज द बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड एज एट 1 जनवरी 2019 आर एज अंडर. आपको बैलेंस शीट गिवन है ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड की. फाइन. और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी गिवन है कि द अबव टू कंपनीज एग्री टू अमालगमेट और फॉर दिस पर्पज अ न्यू कंपनी ए बी लिमिटेड इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन द फॉलोइंग कंडीशंस. एग्रीड एक्सचेंज रेशियो इज 6, फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार इन ए बी लिमिटेड और एवरी 5 शेयर्स ऑफ ईच ऑफ द टू ट्रांसफरर कंपनीज. अब इसमें देखिए, आपकी दोनों कंपनीज को मिला के एक कंपनी बनाई जा रही है, डैट इज ए बी लिमिटेड. इसके पास पुरानी कंपनीज में 5 शेयर्स थे, नई कंपनी में उसको मिलेंगे 6 शेयर्स. फाइन. 90% ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स विल बी डिस्चार्ज बाय द इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ए बी लिमिटेड. ठीक है. द क्लेम ऑफ बैलेंस 10% ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी विल बी डिस्चार्ज बाय पेइंग कैश. 90% पेमेंट होगा इक्विटी में और 10% कैश में. All assets and liabilities are taken over at their book values. सारी assets और liabilities उनको उनकी book values पे लेनी है. The debenture holders of two transferor companies will be satisfied by allotted of such amount of 8% debentures in the AB Limited. जो हमारी पुरानी कंपनी के debenture holders है उनको नई कंपनी में 8% के क्या मिल जाएंगे, debentures मिल जाएंगे and would have the same amount of interest to them as was earned in A Limited and B Limited respectively. और उनको interest वही मिलेगा जो कि उनको पुरानी companies में मिलता था. उसी के according आप नए debentures issue कर देंगे. अब आपको क्या करना है, assume amalgamation in the nature of purchase. तो फर्स्ट कैलकुलेट करना है आपको कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन. सेकंड, गिव जनरल एंट्रीज इन ए बी लिमिटेड. थर्ड इज ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ ए बी लिमिटेड. नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन. कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन. तो परचेज कंसिडरेशन के लिए आपको देखिए फर्स्ट इंफॉर्मेशन गिवन है कि नई कंपनी में 6 शेयर्स हैं और पुरानी में कितने थे, 5 शेयर्स थे. फाइन. तो आप देखिए ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दोनों को आपको अलग अलग करना होगा. ए लिमिटेड की इक्विटी शेयर गिवन है हमें 1,50,000 की. एक शेयर कितने का है, 10 रुपीज का है. तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए आपके, 15,000 शेयर्स आ गए आपके. फाइन. नेक्स्ट है 1,00,000 रुपीज इक्विटी शेयर कैपिटल है डिवाइडेड बाय पर शेयर रेट, डैट इज 10 रुपीज. तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए, 10,000. ये आ गए आपके 10,000. फाइन. अब इसमें बोला गया है कि 90% तो इक्विटी इशू की गई है, तो 15,000 का 90% इधर भी हो गया, 10,000 का 90%. फाइन. अब 90% हो गया और कितने शेयर्स दिए गए हैं, नई कंपनी वाले शेयर्स को आप ऊपर लिखेंगे 6 और पुरानी कंपनी के शेयर्स हैं आपके 5, जिसको आपको नीचे लिखना होता है. अलॉटेड शेयर हैं वो ऊपर आएंगे और प्रेजेंट में जितने शेयर्स हैं वो नीचे आएंगे, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ पर शेयर. वैल्यू आ गई आपकी 1,62,000. ये तो है आपका इक्विटी से रिलेटेड. और कैश कितना है, 10%. तो 15,000 का 10% और रुपीस कितना है, 10 रुपीस से. तो ये वैल्यू आ गई आपकी कैश की. सेम कैलकुलेशन बी लिमिटेड में भी करेंगे. 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स है, मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीस. तो ये आ गया आपका परचेज कंसिडरेशन. दोनों को ऐड कर लेंगे, परचेज कंसिडरेशन की वैल्यू आ गई दोनों की, इसकी आ गई 1,77,000, इसकी आ गई 1,18,000. जर्नल ऑफ ए बी लिमिटेड, तो जितनी असेट्स आ रही हैं उनको डेबिट में लिखेंगे और लाइबिलिटीज को क्रेडिट में लिखेंगे. तो जनवरी 1, 2019 को हो रही है. असेट्स कौन कौन सी आ रही है आपके पास, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, कैश एट बैंक.
ए लिमिटेड की लिख रहे हैं पहले आप 2,30,000, 80,000, 30,000, 60,000, ये सारी किसकी है, ए लिमिटेड की है। पहले का कैलकुलेशन हम अभी रुक के करेंगे, पहले आप ये देखिए टू सनरी क्रेडिटर्स, सनरी क्रेडिटर्स आपको कितने के गिवन है, 1 लाख के, 1 लाख लिख दिया। टू लिक्विडेटर्स ऑफ ए लिमिटेड, अब इसमें कौन सा अमाउंट आएगा हमारा, परचेज कंसिडरेशन वाला आएगा। परचेज कंसिडरेशन में आपने ऊपर देखा था कितना अमाउंट आ गया था, 1,77,000। नेक्स्ट है टू डिबेंचर होल्डर्स इन ए लिमिटेड अकाउंट, के लिए आपको क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है कि जो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दोनों के डिबेंचर होल्डर्स को ए बी लिमिटेड में क्या मिल गए हैं, 8% डिबेंचर्स मिल गए हैं। फाइन, अब वो 8% डिबेंचर्स पे क्या होगा, सेम इंटरेस्ट मिलेगा। तो फर्स्ट है हमारा ए लिमिटेड के लिए, ए लिमिटेड में है 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹50,000 के। फाइन, और इसमें इंटरेस्ट कितना दिया जाता है, 50,000 का 10%, डैट इज ₹5,000। इतना ही इंटरेस्ट आपको नई कंपनी में भी मिलना चाहिए, ठीक है, बट उसकी रेट कितनी होगी, 8% डिबेंचर्स होंगे, ए बी लिमिटेड में होंगे हमारे 8% डिबेंचर्स। फाइन, तो अब आपको फाइनल अमाउंट कैलकुलेट करना है। सपोज कीजिए एक्स क्या है, आपके नई कंपनी में डिबेंचर्स है, तो एक्स का 8% क्या होना चाहिए, ₹5,000 होना चाहिए। एक्स का 8% इंटरेस्ट, दैट इज 5,000, इसको आप ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो एक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 8, दैट इज ए बी लिमिटेड में हो गए हैं ए लिमिटेड वाले डिबेंचर होल्डर्स का हिस्सा। ये देखिए ये अमाउंट आ गया आपका 62,500, तो ये अमाउंट है आपके पास, ये अमाउंट है और ये अमाउंट है, इनको आप टोटल कर दीजिए इनका और इधर इन सब का टोटल करेंगे, बैलेंसिंग फिगर में क्या क्रिएट हो रहा है, कैपिटल रिजर्व इन असेट्स एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर। नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी लिक्विडेटर्स ऑफ ए लिमिटेड, अब इसमें आप क्या कर रहे हैं, इक्विटी शेयर भी कर रहे हैं और कैश भी कर रहे हैं, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ऊपर जो परचेज कंसिडरेशन में देखा था अमाउंट वही करना है 1,62,000 से, और इधर बैंक में भी हमने ऊपर कैलकुलेट किया था ए लिमिटेड का, डैट इज 15,000। ये एंट्री कंप्लीट हो गई है आपकी ए लिमिटेड से रिलेटेड। नाउ बी लिमिटेड की, तो बी लिमिटेड की अब लेंगे हम असेट्स, प्लांट एंड मशीनरी है आपकी 1 लाख की, स्टॉक है आपका 90,000 से, डेटर्स है 20,000 से और कैश एट बैंक है 80,000 से। फाइन, और सनरी क्रेडिटर्स आपको क्वेश्चन में गिवन है 40,000 से। लिक्विडेटर्स ऑफ बी लिमिटेड, ये हमने ऊपर जो परचेज कंसिडरेशन का हमने कैलकुलेशन किया था उसका टोटल आ गया है यहाँ पे 1,18,000। फाइन, नाउ डिबेंचर होल्डर्स इन बी लिमिटेड, अब बी लिमिटेड में क्या है, 12% डिबेंचर्स है, कितने के हैं, 1 लाख के हैं। फाइन, अब इस पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट अमाउंट है आपका 1,12,000 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 12,000, दैट मींस इतना ही इंटरेस्ट आपको नई कंपनी में मिलना चाहिए। अब नई कंपनी में कितने परसेंट के डिबेंचर्स इश्यू हो रहे हैं, 8% डिबेंचर्स इश्यू हो रहे हैं। फाइन, तो एक्स का 8% किसके इक्वल होना चाहिए, 12,000 के, तो इसको आप सॉल्व करेंगे इनटू 100 डिवाइडेड बाय 8, दैट इज 1,50,000। ये देखिए 1,50,000। फाइन, अब आपने इधर टोटल किया, ये है क्रेडिट में बैलेंसेस, ये है डेबिट में बैलेंसेस। फाइन, इधर ये जो बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा वो आ जाएगी हमारी गुडविल। नेक्स्ट है लिक्विडेटर्स ऑफ बी लिमिटेड, उसमें भी आपको इक्विटी शेयर देनी पड़ रही है और बैंक को देना पड़ रहा है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल की एंट्री हो गई 1,08,000 से और बैंक में कितना दिया है, 10,000 का अमाउंट।
देखिए कैपिटल रिजर्व ऊपर क्रिएट हुआ था 60,500 से, फाइन। और गुडविल कितने से क्रिएट हो रही है हमारी? 8,000 से। गुडविल हमारी रिटर्न ऑफ हो जाएगी, फाइन। तो एंट्री क्या हो गई? कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू गुडविल, दैट इज 8,000 से। नेक्स्ट एंट्री है डिबेंचर होल्डर्स से रिलेटेड। डिबेंचर होल्डर्स इन ए लिमिटेड अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर्स इन बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट। दोनों की एंट्री आपने ऊपर देख ली थी, टोटल आ गया है आपका अमाउंट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड सेटिस्फाइड बाय द अलॉटमेंट और रिक्वेसाइज नंबर ऑफ डिबेंचर्स। नेक्स्ट इज बैलेंस शीट ऑफ ए बी लिमिटेड एज एट 1 जनवरी 2019। इशूड एंड सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, दोनों को हमने जो नए शेयर्स इशू किए हैं उसका अमाउंट कितना है? डैट इज 1,62,000, जो कि आपने ऊपर कैलकुलेट किया था, फाइन। इसका था 1,08,000। इन दोनों का आप टोटल करेंगे 2,70,000। ईच शेयर प्राइस क्या है? 10 है। तो अब आपका नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 27,000, फाइन। इधर तो आ गया आपका टोटल अमाउंट और इधर आ गया नंबर ऑफ शेयर और पर शेयर अमाउंट आ गया यहाँ पर। नेक्स्ट है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में आपका 60,500 से था माइनस 8,000, कितना हो गया? 60,500 माइनस 8,000, तो वैल्यू आ गई आपकी 52,500। नेक्स्ट है ट्रेड पेबल्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,40,000 के टोटल हो गया 1,40,000। लाइबिलिटी साइड का टोटल आ गया 6,75,000। नेक्स्ट है नॉन करंट असेट्स, जिसमें आपकी क्या आ जाएंगी? प्लांट एंड मशीनरी, जिसमें दोनों का टोटल कर देंगे 2,30,000, 1,10,000, 3,40,000। स्टॉक 80,000 और 90,000 का टोटल हो गया 1,70,000। डेटर्स टोटल 50,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स डैट इज 60,000 प्लस 80,000। ये तो हो गया आपका टोटल माइनस, अब आपने कैश भी पेड किया था परचेज कंसिड्रेशन में, कितना किया था? इधर किया था 15,000 ए में और बी में किया था 10,000 का। आप ऊपर टेबल में देखेंगे जहां हमने परचेज कंसिड्रेशन कैलकुलेट किया था, 15,000 रुपये दिए ए लिमिटेड में और 10,000 दिए बी लिमिटेड में। इन दोनों का टोटल कितना हो गया? 25,000, जिसको कि आप लेस कर देंगे कैश में से, वैल्यू कितनी आ गई? 1,15,000। तो टोटल आ गया आपका 6,75,000।